जोधपुर कोर्ट ने काला हिरण मामले में सलमान खान के साथ साथ सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, तबू और नीलम को 25 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। इससे पहले जोधपुर कोर्ट 18 जनवरी को सलमान पर लगे आर्म्स एक्ट पर अपना फैसला सुनाएगी। अदालत में सभी गवाहों के बयान के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपत सिंह ने ये निर्देश दिया है। पूरा मामला 1998 का राजस्थान के कांकनी गाँव का है। इसमें सलमान खान के साथ साथ सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तबू और नीलम को सह आरोपी माना जा रहा है। सलमान खान पर फिल्म हम साथ साथ हैं के दौरान काला हिरण का शिकार करने के आरोप हैं। इसकी सुनवाई भी अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसमें 25 जनवरी को मुलजिमों यानी सलमान, सैफ, तबू, नीलम और सोनाली बेंद्रे के बयान लिए जाएंगे। कुछ दिनों पहले मोनी रॉय ने नागिन के सेट पर करणवीर बोहरा के साथ इंटीमेट सीन्स देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब मोनी ने वो सीन्स शूट कर लिए हैं। हाल ही में उस रोमांटिक सीन की कुछ इंटीमेट फोटोज सामने आई हैं, जिसमें शिवांगी यानी मोनी डीप क्लीवेज ड्रेस में रॉकी यानी करणवीर के लिए अपना प्यार एक्सप्रेस करती नजर आ रही हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब मोनी ने ऐसे बोल्ड सीन्स किए हैं। मोनी नागिन के पहले सीजन में भी इंटीमेट सीन्स दे चुकी हैं। हीरोपंती और दिलवाले जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी एक्ट्रेस कृति सेनन मशहूर फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी के 2017 कैलेंडर का हिस्सा बनी है। गुरुवार रात कैलेंडर लॉन्चिंग पार्टी में कृति शामिल हुई थी। पार्टी में कृति ने फैशन डिजाइनर बबीता मलकानी का व्हाइट स्ट्रैपलेस जंप सूट कैरी किया था। बेशक इस आउटफिट में कृति काफी कूल दिख रही थी, लेकिन इसे संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। स्ट्रैपलेस टॉप होने की वजह से बार बार कृति इसे एडजस्ट करती हुई कैमरों में कैद हो गईं। दिलचस्प बात तो ये थी कि हर बार ड्रेस एडजस्ट करते वक्त उनके ऑकवर्ड एक्सप्रेशंस कैमरों में कैद हो गए। एक्ट्रेस लीजा हेडन प्रेग्नेंट है। हाल ही में लीजा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बिकिनी फोटो शेयर कर इस बात को कंफर्म कर दिया है। इस बिकिनी फोटो में लीजा अपने बेबी बम्प को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। इस फोटो का कैप्शन लीजा ने हम्बल बिगिनिंग्स दिया है। बता दें, कुछ टाइम पहले भी लीजा की प्रेगनेंसी की खबरें आई थी। लीजा हेडन ने 29 अक्टूबर 2016 को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड डिनो ललवानी से शादी की थी। दोनों थाईलैंड के फुकेट में स्थित अमनपुरी बीच रिजॉर्ट में शादी के बंधन में बंधे थे, जिसकी फोटोज लीजा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी की थी। लीजा हाल ही में फिल्म ए दिल है मुश्किल में नजर आई थी। इसके अलावा लीजा बॉलीवुड में आयशा, रास्कल, क्वीन, द शौकीन्स, संता बंता प्राइवेट लिमिटेड और हाउसफुल 3 जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। दीपिका पादुकोण ने फैशन डिजाइनर नईम खान की गोल्डन गाउन पहन गुरुवार रात फिल्म ट्रिपल एक्स द रिटर्न ऑफ जैंडर केज का प्रीमियर अटेंड किया। इस आउटफिट में दीपिका का नेकलाइन साफ नजर आ रहा था। बेशक इस गाउन में दीपिका स्टनिंग लग रही थी, लेकिन बोल्ड ड्रेस को संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। प्रीमियर की कई फोटोज में दीपिका अपनी ड्रेस एडजस्ट करते हुए कैमरों में कैद हुई। हाल ही में हुए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में प्रियंका चोपड़ा ने भी ऐसी ही आउटफिट पहनी थी। गोल्डन गाउन में पीसी अपना नेक लाइन फ्लॉन्ट करती दिखी थी। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।